मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सैमसंग का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 10 प्लस। इस फोन का इंतजार काफी अरसे से हो रहा था क्योंकि इस फोन को सैमसंग ने 7 अगस्त को न्यूयॉर्क में लॉन्च किया था और इंडिया में इस फोन को लॉन्च किया गया था 20 अगस्त को बेंगलुरु में। तो इस फोन की क्या खासियत है, कौन से फीचर्स हैं जो सैमसंग ने इनकॉर्पोरेट किए हैं नए फीचर्स, और कैसा इसका इनिशियल परफॉर्मेंस है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा इस फोन के हैंड्स ऑन रिव्यू में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सैमसंग ने अपनी नोट सीरीज के एक साल में 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। इस बार जो सैमसंग ने फोन लॉन्च किए हैं नोट सीरीज में वो है नोट 10 प्लस और नोट 10। जो सैमसंग का नोट 10 है वो मतलब जो लोगों को हैंडी फोन पसंद है उनको पसंद आएगा, और जो नोट 10 प्लस है जो फोन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो पावर यूजर्स के लिए बेहतर रहेगा। गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस इन दोनों फोन्स को सैमसंग ने 3 कलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। जो कलर वेरिएंट मुझे पसंद आया है वो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो कि है सैमसंग का ऑरा ग्लो कलर। इसकी प्रॉपर्टीज, ऑरा ग्लो कलर की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी है कि जब भी लाइट इस पर पड़ेगी तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ऑलमोस्ट 7 रंग, एक रेनबो इफेक्ट आपको इस पर देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी यूनिक है नोट यूजर्स के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस इस कलर से मिलेगा। अगर इसके डिज़ाइन के बारे में हम और देखें तो सैमसंग ने राइट हैंड साइड पर जो अक्सर हम पावर बटन देखते थे वो नहीं दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि पावर बटन है कहाँ, अगर हम देखें तो ऊपर की साइड भी पावर बटन नहीं है, यहाँ पर भी आपको सिम ट्रे मिलती है और नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलता है। अगर आप इस साइड जाएंगे तो देखेंगे ये तो वॉल्यूम रॉकर है, और ये जो बटन है डेडिकेटेड बिग्सबी की है सैमसंग का, तो पावर बटन गया कहाँ है, इट्स अ काइंड ऑफ अ पजल। बट वेट, आई विल टेल यू के पावर बटन कहाँ है। अगर आप इसको जस्ट ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, सैमसंग ने यहाँ पर पावर ऑप्शन इसमें दे दिया है। अगर मैं ऑरा ग्लो कलर वेरिएंट की बात करूं नोट 10 प्लस की, तो ये मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, और ये एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा कलर है जो शायद आपको पसंद आएगा, और हो सकता है कि ये कलर आपको ना पसंद आए, दूसरे वेरिएंट जो हैं वो पसंद आए, मतलब तो इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन, आप दूसरे वेरिएंट्स भी ट्राई कर सकते हैं जा करके। अगर आप फोन की डिस्प्ले की तरफ देखें तो सैमसंग ने इस बार नोट 10 प्लस में 6.8 इंच की क्वाड एचडी प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले दी है, जो कि काफ़ी शार्प है। इसके कलर रिप्रोडक्शन जितना मैंने इसको यूज़ किया है पिछले 7-8 दिनों में काफ़ी बेहतर रहे हैं, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम इस फोन के डिस्प्ले पर फेस नहीं करनी पड़ी है, काफ़ी एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिला है। अगर आप देखें तो बेजल्स ऑलमोस्ट मतलब है ही नहीं इस फोन में, इतने कम है बेजल्स के आपको डिस्प्ले के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। दूसरी चीज़ एक जो बेहतर की है सैमसंग ने वो ये कि जो कैमरा है अगर आप देखें तो उसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया है, और कैमरा अगर आप गौर से देखें तो इसका साइज भी कम कर दिया है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी व्यूइंग एक्सपीरियंस में आपको कमी मिलेगी, और एक बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको इस फोन में मिलने वाला है। अगर कैमरे की बात करें तो सैमसंग नोट 10 प्लस में सैमसंग ने एक वर्टिकली प्लेस्ड क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, और नोट 10 के अंदर ये ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, बट नोट 10 प्लस के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। आप अगर आप देखें डिज़ाइन लैंग्वेज भी कैमरे की, तो गैलेक्सी एस सीरीज़ जो सैमसंग की एक और फ्लैगशिप सीरीज़ है उसके अंदर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कैमरा सैमसंग ने दिया था, और नोट सीरीज़ के अंदर भी सैमसंग हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड सेटअप लेके आ रहा था, लेकिन ये एक वर्टिकली प्लेस्ड कैमरा सेटअप दिया है, जो कि एक नया इनोवेशन है, अच्छा है, बेहतर है। इसके अंदर अगर हम कैमरे की बात करें तो इसका जो कैमरा है वो प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का लेंस है, और इसका दूसरा कैमरा है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, तीसरा कैमरा जो है वो भी 12 मेगापिक्सल का है, और एक चौथा कैमरा जो एडिशनल सैमसंग ने दिया है वो है डेप्थ विजन कैमरा, उससे आपको 3D इमेज में आप उससे ले सकते हैं, प्लस ऑगमेंटेड रियलिटी फ़ोटोज़ AR में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उस कैमरे से। और एक चीज़ और अगर आप देखें, काफ़ी सारे फीचर सैमसंग ने इस बार अपने कैमरे में ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे ऑडियो जूम एक नया फीचर है, जिसकी हेल्प से आप ऑडियो को भी जूम कर सकते हैं, म्यूजिक को भी जूम कर सकते हैं, ये मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे कर सकते हैं, ये ऐड कर दिया गया है। और AR स्टिकर्स आप जो है फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा इस बार दोनों में यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी बेहतर ऑन पेपर कैमरा लग रहा है। जितने मैंने फ़ोटोज़ इससे खींचे हैं वो काफ़ी बेहतर आए हैं। आई वुड से द बेस्ट कैमरा सेटअप अभी तक का सैमसंग का नोट 10 के अंदर रखा है। एक और नया फीचर
जो नोट 10 सीरीज के कैमरा में सैमसंग ने ऐड किया है वो है लाइव फोकस वीडियो। पहले आप जो है वो लाइव फोकस के ज़रिए बोके इफेक्ट वाले फ़ोटोज़ ले पाते थे, बट अभी आप वीडियोस भी बना सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नोट 10 प्लस और नोट 10 सीरीज़ में सैमसंग ने अपना एक्सनस 9825 चिपसेट यूज़ किया है, जो कि एक पावरफुल चिपसेट है, 7nm प्रोसेसर पर बेस्ड है। और ये फ़ोन जो है वो आप देखेंगे इसके अंदर सैमसंग ने 12GB रैम रखी है, 12GB रैम, काफ़ी बेहतर इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है। आई वुड से एक लैग फ्री परफॉर्मेंस ये फ़ोन देगा 12GB रैम। हालांकि इससे पहले हमने OnePlus 7 Pro में भी देखी है जिसकी परफॉर्मेंस जिसकी परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ हुई है। तो आई होप Note 10 Plus के अंदर जो रैम 12GB दी गई है इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर होने वाली है। और बात करें इंटरनल मेमोरी की, सैमसंग ने इसको दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, स्टोरेज वेरिएंट्स में 256 GB और 512 GB, और इसके साथ ही इसको आप SD कार्ड की मदद से 1 TB तक बढ़ा भी सकते हैं, जो कि एक काफ़ी बेहतर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो ढेर सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने फ़ोन में एक साथ रखना चाहते हैं। सैमसंग ने नोट 10 प्लस के अंदर 4300 mAh की बड़ी बैटरी रखी है विद सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। व्हाई आई एम सेइंग सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये जो नोट 10 प्लस की बैटरी है और नोट 10 की बैटरी है ये 45 वॉट तक की चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि 45 वॉट का चार्जर आपको इसके अंदर नहीं आता है, वो आपको एक्सटर्नल जाके सैमसंग केयर से या फिर सैमसंग सर्विस सेंटर से आपको लेना पड़ेगा। बट ये जो बैटरी है 4300 mAh की बैटरी है और सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, यानी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बैटरी का इशू भी इस फ़ोन में आई डोंट थिंक के फेस करना पड़ेगा। नोट सीरीज़ की जो ख़ास बात रहती है वो इसका एस पेन रहता है। अगर आप इस बार देखें तो सैमसंग ने इस बार और ज़्यादा इस एस पेन को इनोवेट कर दिया है। पिछले साल जब नोट 9 लॉन्च किया था तो सैमसंग ने इसके अंदर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट कर दी थी, और इस बार जो है इसके अंदर 6S जायरोस्कोप यूज़ किया है। एक चीज़ और आपको बताता चलूं कि सैमसंग की जो नोट सीरीज़ है उसका एक्चुअली में मार्केट में हार्डली कोई कॉम्पिटिशन रहता है। उसकी वजह ये है कि सैमसंग जो इसके अंदर ये जादू की छड़ी जो देता है, ये जिसको स्टाइलस या सैमसंग का जो है जिसको सैमसंग एस पेन कहता है, इसकी वजह से सैमसंग का कोई कंपटीशन रहता नहीं है नोट सीरीज़ का। बट स्टिल क्योंकि अभी मार्केट में नए फ़ोन्स लॉन्च होने हैं, OnePlus 7T और OnePlus 7T Pro भी आने वाला है, प्लस गूगल के फ़ोन्स भी लॉन्च होने, एप्पल भी फ़ोन लेके आ रहा है, तो लेट्स सी कि नोट 10 प्लस कहाँ स्टैंड करता है इन फ़ोन्स में और कितना आगे सैमसंग को नोट 10 प्लस लेके जाता है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।